मेरे प्यारे बच्चों, साईं संस्कार पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा पाठ एक भाषा लिपि और व्याकरण को समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, आपके बहुत से मित्र होंगे, आप उनसे बातचीत भी करते होंगे, वे भी आपको अपने विचार अपनी बातें बताते होंगे, आपके माता पिता भाई बहन भी आपस में बातचीत करते होंगे, पड़ोसियों से भी आपकी बातचीत होती होगी, और तो और दूसरे शहरों में रहने वाले आपके संबंधी एवं मित्र भी आपसे कभी दूरभाष पर तो कभी पत्र द्वारा बातचीत करते होंगे, अपने विचार आप तक पहुंचाते होंगे और आप उन तक। अब आप समझ गए होंगे कि इस संसार में सभी व्यक्ति बोलते एवं बातचीत करते हैं, परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। भावों और विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा, सुशीला ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया और पूछा, माँ क्या मैं छुट्टियों में सोहन के घर जा सकती हूँ? माँ ने कहा, हाँ। बच्चों, सोहन ने अपनी बात लिखकर सुशीला तक पहुंचाई और सुशीला ने मौखिक रूप से पढ़कर माँ तक पहुंचाई। माँ ने उसकी बात सुनी और हाँ कहकर उसे जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बातचीत दो प्रकार से हुई, बोलकर ओरल सुशीला और माँ की बातचीत, और लिखकर रिटन सोहन का सुशीला को पत्र। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, बातचीत, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ अथवा किसी घटना का वर्णन मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य अपने और दूसरे के अनुभवों को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी तक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता था। अतः भाषा का मौखिक रूप सबसे पुराना है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, बाद में लिखना। सत्यम वद धर्मचर। लिखित भाषा जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपकी पाठ्य पुस्तकें रामायण महाभारत आदि ग्रंथ लिखित भाषा में हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही हम अपने ज्ञान एवं अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। इसी कारण आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए वेदों का ज्ञान हमें आज भी प्राप्त है। अब आप जान गए हैं कि संसार में प्राय सभी मनुष्य बोलते और बातचीत करते हैं, अतः संसार में अनेक भाषाएं हैं। भारतवर्ष में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, कश्मीरी, उर्दू, मराठी आदि। व्याकरण। बच्चों, सड़क पर चलने के नियम होते हैं, यदि उन नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, ये नियम ही भाषा को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार चौराहे पर खड़ा सिपाही हमें संकेत देता है कि यातायात के नियमों का पालन किस प्रकार करें, उसी प्रकार व्याकरण के नियम भी हमें सिखाते हैं कि भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करें ताकि सभी उसे समझ सके और उसका शुद्ध एवं सही प्रयोग कर सके। उदाहरण, बिल्ली पेड़ पर चढ़ता है, अशुद्ध। बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है, शुद्ध। राम गाना गाती है, अशुद्ध। राम गाना गाता है, शुद्ध। उपर्युक्त वाक्यों में बिल्ली स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग, इसलिए दोनों के लिंग के अनुसार सही क्रिया शब्द का प्रयोग होना चाहिए और इसके लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। व्याकरण विभाग। बच्चों, जिस प्रकार सेकंड से मिनट और मिनट से घंटे बनते हैं, उसी प्रकार भाषा में भी वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं।
अध्ययन की सुविधा के लिए इसी आधार पर व्याकरण को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। व्याकरण के इस भाग में हम वर्णों की बनावट, उच्चारण आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, प्रयोग, शब्दों के भेद आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाक्य विचार। वाक्यों के प्रकार, भेद, प्रयोग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम व्याकरण के इस भाग का अध्ययन करते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। हिंदी भाषा। हिंदी हमारे देश की प्रमुख एवं लोकप्रिय भाषा है। इसका उद्भव एवं विकास संस्कृत भाषा से हुआ, इसलिए संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। भारत की अधिकांश जनता हिंदी को बोल एवं समझ लेती है। भारत में आज भी हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसकी विशेषता यह है कि अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग भी इसे शीघ्रता से समझ लेते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। यह अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। भारत के अनेक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। यह भारत की राजभाषा भी है। हिंदी भाषा अब विदेशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है, जैसे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि। इसके अतिरिक्त मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सिंगापुर आदि में भी हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। हिंदी भाषा भाषी लोगों की संख्या को देखते हुए विश्व में इसका दूसरा स्थान है। आइए देखें हमने क्या सीखा। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर या बोलकर करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम, सबसे पुराना है। भाषा के लिखित रूप में ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। लिपि मौखिक ध्वनियों को निश्चित रूप देने के लिए चिन्हों की व्यवस्था है।